समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मुलाकात की इन तस्वीरों पर विवाद हो गया है। लोहिया के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया का यूं एक हिंदू धर्मगुरु के चरणों में झुकना बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा। लोग अखिलेश के इस कदम की आलोचना भी कर रहे हैं। पहले से ही बाबा साहब की जयंती पर भीम दिवाली मनाने का ऐलान कर चुके अखिलेश यादव अब तमाम हिंदू धर्मगुरुओं के सामने चरण वंदना करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने इन तस्वीरों को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए एक बेहद गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने अखिलेश की तुलना मुलायम सिंह यादव से करते हुए उस वाक्य को भी याद किया जब मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को गिरफ्तार करवा दिया था। दिलीप मंडल ने इस बारे में लिखा, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचे। वे कभी किसी बाबा के पैरों के नीचे नहीं बैठे, हमेशा बराबरी पर बैठे। अखिलेश यादव के सलाहकारों को सोचना चाहिए कि ये कैसी इमेज बन रही है। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बनारस में 201 ब्राह्मणों के पैर धोकर चरणामृत पिया था तो लोहिया ने उसे अश्लील हरकत कहा था। हमारे दौर के नेता वैचारिक रूप से इतने कमजोर कैसे हो गए? इतने सारे बाबाओं में से भी अखिलेश यादव ने इन्हीं के पैरों के नीचे बैठना पसंद किया। ये तो भयंकर रूप से राजनीति बयानबाजी करने वाले बाबा हैं। इनके बयानों में कौन सा अध्यात्म है? आज अखिलेश यादव जिस शंकराचार्य स्वरूपानंद के पैर पकड़ रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने 7 मई 1990 को आजमगढ़ में गिरफ्तार करवाया था। पूरा यूपी शांत रहा। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मिलकर पक्का बंदोबस्त किया था। स्वरूपानंद अयोध्या में जबरन शिलान्यास करने जा रहे थे। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता। मुलायम सिंह इसके बाद भी मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री बने। उसी पार्टी की विरासत अखिलेश जी को मिली है। लाइन सीधी होनी चाहिए। दिलीप मंडल ने उन खबरों के स्क्रीनशॉट भी साझा किए जिनमें यही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की बात करते हैं। ये वही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं जो कहते हैं कि SC/ST एक्ट से समाज टूट जाएगा। अब आप ही बताइए, जो आदमी बहुजन समाज के फायदे के लिए बनी व्यवस्थाओं को ही खत्म करने की वकालत करता हो, उसके चरणों में एक बहुजन नेता का यूं हाथ जोड़कर बैठ जाना क्या संदेश देता है? इस बारे में मंडल आर्मी नाम के हैंडल से लिखा गया, जिसके चरणों में अखिलेश यादव पड़े हैं, ये वही पोथीराम उपाध्याय उर्फ स्वरूपानंद सरस्वती हैं जिसने अहिरो को गैर हिंदू और दंगाई घोषित किया था। तो क्या अखिलेश जी पोथीराम उपाध्याय के चरणों में लौटकर हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने गए थे? आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।